The name's Bond. James Bond. रुक जाए, चलो बोलंदे, मौले नू मौला ना मारे, ते मौला नहीं मरता। देखो ना, मुझे लुट्टी डालने की बहुत प्रैक्टिस है। मैं अपने दोनों भाइयों की मेहंदियों के ऊपर तीन तीन घंटे मुसलसल लुट्टी डालती रही नॉन स्टॉप। तू बता तू किधर मिलेगा, तुझे मिलके बता दो कौन है मोटा। अगर इतना ही गुस्सा है तो बारी फैक्ट्री की पीछे वाली जमीन पे पहुंचा, देख लूंगा कि तू बातों का हीरो है या असल का। और मुझे तो पहले ही शक था कि इस वाक्य के पीछे जरूर कोई ना कोई स्टोरी है। तो फिर सर जी क्या हुक्म है? वही जो ऐसे मौके पर हुआ करता है। सर सारे के सारे छुट्टी में चले जाए। अब हम क्या करें? अब हम मौला चट के घर पर हमला करके उठा लेंगे। जज साहब ये भी तो हो सकता है उसने आपसे मजाक किया, पता चले वो आपको यहाँ का था कि आपके घर बैठा। ये तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा भाई साहब। ओ जी बड़ा अर्क। अगर मौला चट को पता चल गया ना कि तुम दोबारा उसके घर में घुसे हो बड़ा नाराज होगा। घर में घुसने वाली बात तो लेता है, इसका हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे। जेम्स बॉन्ड। तुम? ओ बॉन्ड साहब आप? बेड़ा गर्क। अच्छा हुआ तू भी इधर आ गया बच्चे, लगता है पिछली बार बचने का तुझे भी उतना ही अफसोस है कि जितना मुझे। इस बार नहीं बचेगा बच्चे। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैंने तुम जैसे फारिग आदमी को इतने दिनों तकलीफ कराई, और वो भी ऐसा आदमी जिसको उसका धोबी लिफ्ट नहीं करा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसकी हड्डियां तोड़ेगा। मगर बॉन्ड साहब एक बात तो बताए, वो आप में एकदम इतनी ताकत कहां से आई? हर जुमे की शाम 8 बजे चैटिंग बॉन्ड देख के। ये तो चोरी की लाइन। यार बस लग गया यार, मैं एक लाइन में बोला तुम लोग। जट साहब आप तो इतने ज्यादा जख्मी थे, एकदम से मारना कहां से शुरू हो गए? ओ यार, वो मेरे दोस्त ने इतनी आला एंट्री मारी है, वो मैं एक्साइटेड ना हूं। ये तो फिर आ चले फिर मारे तो फिर ये लो। यार इस तरह तो सारी शाम भी हम लड़ते रहे, कुछ नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो, अब तो मेरा भी एंथुसियाज्म खत्म हो गया। एक स्टाइल आता है क्या वो ट्राई करें? तुम कहते हो तो वो ही ट्राई कर लेते। ये मेरे घर बगैर इजाजत आने के लिए, ये मुझ पर बार बार अटैक करने के लिए, ये मुझे मोटा कहने के लिए,
मार गए मुझे बार बार पचक देने के लिए। दे भाई इससे तो जबरदस्त किस्म की मार पड़ रही है, अब क्या करें? ऐसा जी वही जो हमेशा करते हैं। वो क्या फाड़ने के बारे में क्या? ओए अब बोल बच्चे, रुक जा चचा। मैं मतलब जट साहब रुक जाओ। ओए भट्ट साहब पुलिस हमेशा इस टाइम क्यों आंदी है? क्योंकि इस टाइम का काम तौर से काम मुक चुकिया होता है। मगर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ गुस्सा छोड़ दे, मरने के लिए तैयार हो जा। पता है मैं अब तुझे किस तरह मारूंगा? कैसे? फखरे आलम की नई एल्बम सुना के। भाई वो कौन है? बिल्कुल उसमें से हवा निकल गई। सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो कोई गुब्बारा था। भाई गुब्बारा होता ना तो ठीक होता, हद हो गई। उसको एक तो आने का इतना खर्चा हुआ है, ऊपर से कोई फायदा भी नहीं हुआ। बिल्कुल मोटर है की तरह। वैसे सर आपका प्लान क्या? खुदकुशी करने का है? सर आप मुझे पहले बताते मैं कोई तैयारी कर लेता। ओ शहजादे सर जी मजाक कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं तुम पे। तंज नहीं कर रहा, सीरियस हूं मैं। सर जी आपका खौफ करें, मेरा भी मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है। भाई तुम लोग मेरा सर ना खाओ, पहले मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सर जी हौसला करें, हम इसके अलावा कर भी कह सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। WWF वालों को फोन करो, उन्हें कंप्लेन करो कि वो जटन बॉन्ड को मारने के लिए जो बंदा भेजा था ना वो खुद खर्च हो गया, उसे अपने आप को नहीं बचाया गया। पैसे दे दें, पहले हिटमैन भेजेंगे। ऐसा हिटमैन है अपने आप को चार एपिसोड में वो हिट विकेट करा गया। वो हिट विकेट तो हो रही था उसने शिदाते, पर जो कि विकेट कीपर जो मैं था। मगर सर जी ये विकेट कीपर का हिट विकेट होने से क्या ताल्लुक है? ओ वही जो फिल्म स्टार निर्मा का एक्टिंग से है। वाह सर जी वाह, क्या जेन्युइन मिसाल दी है आपने। लेकिन सर जी एक बात होता है, वैसे आपस की बात है कि अगर जट वगैरह वहां पे ना होते तो कुनाल ने कोई नहीं पकड़े जाना था। शहजादे तुम ये सोचो कि अगर हम वहां ना होते तो कुनाल को कौन पकड़ता? वाह सर जी वाह, क्या बात है आपकी। वैसे सर जी वो कुनाल तो पकड़ा गया, तो फिर आपने एसपी साहब से उनकी बात की है? किनकी? सर जी उन्हीं की। फूलों की? वो आज ना 2 बजे मेरे एसपी साहब के साथ में मुलाकात है, और अब मेरी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तो फिर मैं हो जाऊंगा DSP और तू हो जाएगा इंस्पेक्टर। तो फिर तैयार हो जा शहजादे। यार तो मैं था, वो जरा टाइमिंग ऑफ हो। वो तो है जट साहब, मगर शुक्र करें कि बॉन्ड की जान बच गई। उस कोनान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे ये तो है। हाँ, और जट साहब खाला जी वापस आके जब बॉन्ड को इस तरह देखेंगी वो परेशान तो होंगी ना? ओ जी परेशान तो होंगी, मगर इसके साथ साथ जी शामत भी बड़ी पैड़ी आती है। वो क्यों? ओ जी उन्होंने कहना है कि जो कुछ बॉन्ड के साथ हुआ वो सारा मेरा कसूर है, और फिर इस नन्ही गाल पे उनके बड़े बड़े हाथों की चपेड़े। जट साहब आप फिक्र ना करें, हम खाला जी को बता देंगे। ओ जी जरा जल्दी बताइएगा वरना मेरा पेड़ा दर्द हो जाएगा। नहीं आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम जरूर बता देंगे, जल्दी बता देंगे। ओ जी वैसे कोरा बीबी का है? वो बॉन्ड के साथ बैठी है। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मुझे तो प्लास्टिक की गोली लगी थी ना। ओह लेकिन वो गन तो असल लग रही थी। गन भी असली थी और दर्द भी हो रहा है। ओह सॉरी। जा कौन सब क्या हो रहा है? ब्रेक डांस। ओह जी आपको इस हालत में ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, आई समझ? गॉड किस किस्म के अजीब साथी है मेरे। खैर पपी मैडम सी का फोन तो नहीं आया? नहीं उनका फोन तो नहीं आया था, मगर उनको खबर हो गई है और वो अपनी छुट्टियां कैंसिल करके फौरन वापस आ रही हैं। ओह नो,
मैडम सी को पता नहीं लगना चाहिए था, वो वैसे ही परेशान होंगी। तो मैंने खुद कौन सा उनको बताया है, मगर वो सीक्रेट सर्विस की चीफ है, उनको इतने बड़े वाक्य का पता तो चलना था ना। अभी सिटी कैसा लग रहा हूँ मैं? सर एकदम हीरो लग रहे हैं। ओए यार उर्दू फिल्मों का या अंग्रेजी फिल्मों का? सर वजन के हिसाब से तो पश्तो फिल्मों के लग रहे हैं। नौकरी। सॉरी सर जी मजाक कर रहा था। खैर अब आप ऐसा करें कि आप अंदर जाएं और फुल हिम्मत के साथ एसपी साहब की आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू करनी है आपने। फिक्र ही ना कर शहजादे, आज फुल टाइम आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू होगी और आज तो मुझे मेरी तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये हुई ना बात सर जी, आप जाएं। ओके शहजादे, ओके। सर जी हिम्मत के साथ एसपी साहब की आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू करनी है, तरक्की आपका इंतजार कर रही है। ओहो भाई मुझसे नहीं इंतजार होता। ओहो भाई if he is the president then tell him that I'm Dr. Evil. Yes. What? He's in a meeting. I don't give a damn. Tell him that if he can find a villain like Conan the Vegetarian then he has to talk to me. What? Bhai then tell him that he will have to call me. Yes. Oye 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 oye. Ek second. Ye aapka phone bhai. Ha. Oye 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 oye. Sir ji itni angrezi. इतनी अंग्रेजी तो आज तक 7 बजे वाली खबरों में नहीं बोली जितनी आपने 7 मिनट में बोल दी है। मैं क्या बताऊं तुम्हें, जब मुझे गुस्सा चढ़ता है ना तो फिर बस मैं अन्य अंग्रेजी बोली जाता हूं। क्या बात है सर जी, वो प्रेसिडेंट साहब से बात हुई? नहीं यार वो कह रहे थे वो मीटिंग में। मैंने भी कह दिया कि मैंने फोन कर लिया है, अब आपने बात करनी है ना तो खुद ही फोन पे बात करें, मुझे फोन करें आप। और अगर उनका फोन ना आया तो फिर मैं फोन करूंगा उन्हें। वो गुस्सा यार वो चढ़ा था उतर गए ऑटोमेटिक। मगर गुस्सा चढ़ने की बात तो है, उस ईविल के बच्चे की इतनी जुर्रत कैसे हुई? इट्स ओके मैडम सी, वो लोग अपने प्लान में कामयाब तो नहीं हुए ना। मगर पपी इट वॉज सच अ क्लोज कॉल और मुझे तो पूरा यकीन है कि ये उन WWF वालों का प्लान था। मगर मैडम सी ईविल को पैसे मिलने के बारे में क्या हुआ? हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक उसे पैसे नहीं मिले। मगर मैडम आप लोगों को कैसे यकीन है? क्योंकि अभी तक उसने व्हाइट सूट का ऑर्डर नहीं दिया। जिस दिन उसे पैसे मिलेंगे वो कैल्विन क्लाइन को व्हाइट सूट का ऑर्डर दे देगा। मगर व्हाइट सूट ही क्यों? क्योंकि व्हाइट सूट पहनकर उसे सफेद घर यानी कि व्हाइट हाउस की याद आती है। ओह आई सी, विलन कनेक्शन। खैर पपी तुम बॉन्ड का खास ख्याल रखना, बल्कि फौरन से पेशते मेरी उससे बात करो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतना बड़ा वाकया हो गया और तुमने उसकी रिपोर्ट मुझे ना दी। वो मैडम वो बॉन्ड ने मुझे मना किया था, वो नहीं चाहता था ना कि आप परेशान हो। परेशान तो वो ईवन होगा कि इस बार भी उसका वार नहीं चला। याला आज तो नाकामी का कोई चांस ही नहीं है, इतना लंबा हाथ मारा है ना कि आज तो तरक्की हो गई रहेगी। और सर जी और जल्दी से आए ना, कुछ खबरी सुना भी दे। साहब ने क्या कहा है? वो तरक्की मैंने फूल ही लेके आया। एसपी साहब ने कहा होगा मैं बाद में दूंगा, है ना? आए सर जी। सर जी, तरक्की के बारे में जो मैं सुन के आया हूँ ना, उनको सुन के तो मुझे सिर्फ नजम साहब का वो गाना ही याद आता है। कौन से वाला सर जी? वही वाला। कौन से वाला? ओह अब और नहीं भागा जाता। अब ये तो बताए वो एसपी साहब ने आखिर तरक्की के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इस बार कुनान के क्रेडिट पे होने वाली तरक्की पर वो एसएसबी बनेंगे और हमारी तरक्की अगली दफा भी लटका दी गई है। सर ये क्या बात हुई सर? भाई
मैंने भी WWF वालों को यही कहा कि भाई इस तरह तो काम नहीं होता ना। बिल्कुल सर। है ना, मैंने उन्हें कहा कि अगर दुनिया पे कब्जा करना ही है तो इस तरह तो नहीं होता। बिल्कुल सर। है ना, तो क्या मतलब बिल्कुल सर, तुम हर दफा हाँ में हाँ मिलाई जाते हो बीवियों की तरह। बिल्कुल सर। अगर मेरी सेक्रेटरी की टांग ना टूटी होती तो क्या सर, तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ देता। बोलो, ऐसा बोलो, क्या कह रहे हो, सही ना बोलो। प्रेसिडेंट साहब का फोन आया है। भाई अगर प्रेसिडेंट साहब का फोन आया तो सही तरह बोलो ना, ऊंचा करके बोलो। सर जी फोन आया। अच्छा अच्छा अच्छा, दो फोन। हेलो, नहीं भाई रॉन्ग नंबर नहीं बोल रहा, मैं डॉक्टर इविल बोल रहा हूँ। ओ प्रेसिडेंट, हाँ हेलो हेलो, क्या हाल है, ठीक हो? मगर जज साहब आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक है आप? हैं मम्मी। दो मिनट के लिए खड़ा तो हुआ नहीं जाता, ठीक ठाक है ये। वो मैडम का फोन आया तुम्हारे लिए। हेलो हेलो जी मैडम, कैसी हैं आप? बॉन्ड, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? कब गोली लगते वक्त? तो बस तकफार, मैं इतला देने की बात कर रही हूँ। इट्स ओके मैम, मैंने जरूरी नहीं समझा। बड़े अफसोस की बात है, क्या तुम्हारे ख्याल में मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे किसी बात का बताया ही ना जाए, और हर चीज का इल्म मुझे अपनों से नहीं बल्कि गैरों से हो? ओहो मैडम, आप तो वैसे ही इमोशनल हो रही हैं। अगली दफा गोली लगने से एक सेकंड पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा अच्छा, मजाक मत करो और मेरी बात बहुत गौर से सुनो। हाई कमांड ने ये ऑर्डर दिया है कि जब तक तुम मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाते कोई हलचल नहीं करें। मगर मैडम आई एम फाइन। नो, बिल्कुल नहीं। मुझे पपी ने बताया कि डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि कंप्लीट बेड रेस्ट। अगर डॉक्टर ने ये कहा है तो फिर कंप्लीट बेड रेस्ट होगा। मगर मैडम वो डॉक्टर इविल। टू हेल विद डॉक्टर इविल, उसको भी देख लेंगे। ही विल हैव टू पे फॉर दिस। नो, नहीं नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वांट माय मनी, आई डोंट केयर। हां जी, क्या हम मशहूर हो गए एज रिजेक्ट्स? नहीं नहीं यार, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात। नहीं इसका नहीं 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 उसमें तो ये तो बहुत बेसिक की बात है, ये तो नहीं हम कर सकते। अच्छा जरूरी है? अच्छा आप कहते हैं तो आ जाएंगे। यार यार क्या हुआ सर? बेड़ा गर्क। इस दफा कैसे हुआ? यार वो मैं तो उस प्रेसिडेंट को फोन किया था कि हमारे पैसे दे, वो किसी और ही चक्करों में था। क्या मतलब सर, किस चक्कर में? भाई वो कह रहा है कि हम जो हैं इस नाकामी के बाद इतने मशहूर हो गए कि हम विलन्स के रिजेक्ट्स वाले अखबारों में आना शुरू हो गए, तस्वीरें लगनी शुरू हो गई हमारी। क्या हुआ? तो ये हुआ कि अब वो कह रहा है कि पैसे लेने के लिए उसकी नीज का एक शो है जिसमें दुनिया जहान के रिजेक्ट्स आते हैं, उसके अंदर हम आएंगे तो हमें वो पैसे देगा। ओ आई सी। वैसे सर ये कौन से ऐसे शो होते हैं जिसमें सिर्फ रिजेक्ट्स आते हैं? आई एम रिजेक्टेड। Samadhan.